नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करेंगे। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 22 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो अगर आप शेयर होल्डर्स हैं लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के LNT के, तो डिविडेंड की बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोज़ देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए। जैसे कि रिकॉर्ड डेट होती है डिविडेंड को लेने के लिए, तो रिकॉर्ड डेट कब है, एक्स डेट कब है और कब तक खरीदारी कर सकते हैं डिविडेंड को पाने के लिए, या फिर आप शेयर होल्डर्स हैं तो पेमेंट कब तक हो जाएगा। मीन्स बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में LNT के स्टॉक को रखा होगा। इसका जो हाई बना था 2078 बना था, वहाँ से गिरकर लगभग 1500 तक आया है। तो फिलहाल इस वीडियो में डिविडेंड की डिटेल की बात करते हैं और रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और पेमेंट डेट की बात करेंगे, और एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 22 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, तो किसी के पास अगर 10 शेयर भी हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, तो इनटू 22 रुपया कर लीजिए। तो इस डिविडेंड को पाने के लिए जिनके पास लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड है, इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो है 22 जुलाई 2022। 22 जुलाई 2022 फ्राइडे है, शुक्रवार है, उस दिन तक डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए। और एक्स डेट है 21 जुलाई 2022। एक्स डेट के दिन, जैसे कि आपको मालूम है कि डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट होता है, थोड़ी बहुत गिरावट होती है, तो एक्स डेट है 21 जुलाई 2022। एक्स डेट से पहले 20 जुलाई तक जो खरीदारी करेंगे तो उनको डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। डिविडेंड का पेमेंट जो होगा दोस्तों 8 अगस्त 2022, तो 8 अगस्त 2022 तक डिविडेंड का पेमेंट भी हो जाएगा। तो LNT ने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, डिक्लेयर किया था, अप्रूव किया था 22 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा शुक्रवार है 22 जुलाई 2022। एक्स डेट होगी 21 जुलाई 2022। 20 जुलाई तक जो खरीदारी करना चाहते हैं, डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो उनके पास मौका होगा। और पेमेंट जो हो जाएगा दोस्तों डिविडेंड का 8 अगस्त 2022। तो अभी समय है, जुलाई का महीना आ रहा है, तो LNT का जो डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो ये रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और पेमेंट डेट की बात थी, डिविडेंड का डिटेल था। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1540 में कारोबार कर रहा है 29/6/2022 में। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है, और स्टॉक प्राइस 1541 में है 29/6/2022 को। अब जुलाई का महीना आएगा और स्टॉक में गिरावट बढ़ी है दोस्तों। देखिए ये गिरावट बढ़ी है, ऊपर की तरफ था ये 1800 के आसपास था 6 अप्रैल 2022 को, तो जून का महीना ख़त्म हो रहा है और स्टॉक प्राइस 1541 में है, और एक साल पहले की बात करते तो 1500 में था, तो उसी के आसपास आ गया है। एक साल पहले जिन्होंने स्टॉक लिया था, तो एक साल पहले तो एक साल पहले के अनुसार बात करते स्टॉक में तेज़ी थी, ऊपर की तरफ ये 1931 और 2078 का एक हाई बनाया था, और उसके बाद स्टॉक में गिरावट बढ़ी है और नीचे की तरफ स्टॉक आया है लगभग 1650 तक। उसके बाद एक तेज़ी आई थी अप्रैल के महीने में, ऊपर की तरफ गया था और स्टॉक में फिर गिरावट बढ़ गई दोस्तों। अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 2-3 महीने के अनुसार, तो मार्केट के हालात भी, तो मार्केट में भी एक तरह से गिरावट बढ़ी है, तो LNT के स्टॉक में भी गिरावट बढ़ी है। तो फिलहाल जो सपोर्ट रहेगा 1456 का रहेगा, यही 52-week लो है, और एक तरह से लग रहा है कि गिरावट आ चुकी है। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तब एक पैनिक सेलिंग होगी, 1456 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ सकता है, वो भी एक तरह से बाइंग का लेवल होगा। मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो LNT का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, और बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों, बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, जैसे कि हम लोगों को अभी दिख रहा है। ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक का देखिए 1542 में है, अगर ये ऊपर की तरफ 1095.10 रुपये के ऊपर, मान के चलेगी 1600 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आती हुई दिखेगी। जो अप्रैल का जो गिरावट था, जहाँ पे अप्रैल का प्राइस था 1660 तक जाता हुआ दिखेगा, तो ये यहाँ से लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और इसमें जो तेज़ी आएगी, बड़ी तेज़ी जो आएगी दोस्तों ऊपर की तरफ 1719-1730 के ऊपर जब ये क्लोज होगा, तब एक तेज़ी आती हुई दिखेगी और स्टॉक हमें फिर 1852 तक जाता हुआ दिखेगा।
यहाँ तक वही जाएगा, बट ये कि समय लग सकता है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट बढ़ती है, किसी भी स्टॉक में गिरावट बढ़ती है, बढ़ने में समय लगता है। बहुत सारे निवेशक कम समय के लिए लिए होंगे, डिविडेंड के लिए लिए होंगे, तो वो निकलना चाहेंगे। स्टॉक जब बढ़ता है तो काफ़ी हर्डल रेजिस्टेंस रहते हैं, बट गिरावट बड़ी तेज़ी से आती है, बढ़ने में समय लगता है। तो ये पिछले एक साल के चार्ट के अनुसार लेवल्स हैं, और सपोर्ट जो रहेगा 1456 का रहेगा। अगर गिरावट बढ़ती है, पैनिक सेलिंग होती है, तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को देखना चाहिए, जिनके पास स्टॉक नहीं है, जिनके पास समय है। इनके द्वारा जो 22 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया था, उसका अपडेट था, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, पेमेंट डेट, कब तक पेमेंट हो जाएगा। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने का धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।